जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, समझेंगे कंपनी क्या काम करती है और जो काम करती है उसके हिसाब से लंबी अवधि में निवेश के लिए ये स्टॉक कैसा है। देखिए, कोई स्टॉक जब छोटा होता है ना, उसमें जब पैसा लगाएंगे सही समय पर, तब आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा आने वाले समय में। जो स्टॉक ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, अब जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इंफोसिस हो गया, अब उसमें जो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है वो कितना बढ़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। इसलिए अब जरूरी है कि एक छोटा स्टॉक जो लंबे समय में आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न दे सकता है, वो भी ग्रो कर सकता है, उसमें आपको पैसा लगे, तो उस तरीके का ये स्टॉक है गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड। इसको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह के स्टॉक्स में क्यों होना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग इस कंपनी के काम के बारे में बात करें तो ये बेसिकली कंपनी क्या करती है कि बैटरी जो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरियाँ बनाई जाती है या बैटरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसको ये कंपनी बनाती है। कह सकते हैं कि एक प्रकार से ईवी सेक्टर का ये स्टॉक आने वाले समय में बाप बनते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रहा है, जिस तरीके से इसमें ग्रोथ इस स्टॉक का हो रहा है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड कंपनी के फंडामेंटल की, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक काम समझ लिया, काम काफी बढ़िया है, अब समझते हैं फंडामेंटल कंपनी का कैसा है। तो सबसे पहले यदि हम लोग मार्केट कैप को देखें तकरीबन 400 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। पेन स्टॉक में जब हम निवेश करते हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला वही मार्केट कैप होना चाहिए, कम से कम 300 करोड़ से ऊपर का स्टॉक का वैल्यूएशन हो, जो कि है यहाँ पे ये बात ठीक है। स्टॉक का पी आपको महंगा दिखेगा, जो कि जाहिर सी बात है पीवी स्टॉक में पी थोड़ा महंगा होता है, और इलेक्ट्रिक के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां होती है जो ईवी सेक्टर में, उनका पी महंगा होता है क्योंकि डिमांडेबल होती है। अब यहाँ पे समझिए शेयर प्राइस जो है 16 रुपये है, बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है, ये काफी बढ़िया बात है। और सबसे कमाल की बात है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ROCE देखते हैं यह आपको तकरीबन 16 और 17% के आसपास देखने को मिलेगा, ये काफी बढ़िया बात है। मतलब ये हुआ कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी कम से कम साल भर में 16% या 17% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। तो यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम इतना रिटर्न तो आपको साल भर में कंपनी कमा कर दे ही देगी। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और कंपनी के फंडामेंटल को समझा, दोनों अभी तक तो काफी बढ़िया मिले हैं। आगे भी फंडामेंटल में कुछ और बेसिक चीजों को डिस्कशन करना, लेकिन उसके पहले हम लोग एक साल के चार्ट पर आते हैं और कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं इसमें क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ से देखेंगे कंपनी का एक W पैटर्न बना था, W जब भी बनता है चार्ट पर तो एक लंबा ब्रेकआउट होता है, जो कि यहाँ पर हुआ। अब जो लोग चार्ट पैटर्न को समझते हैं वो यहाँ पे पैसा लगाए होंगे, उनको अच्छा खासा बेनिफिट इस स्टॉक में हुआ होगा। खैर, जो लोगों को मिस करेंगे, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए सही समय पर, उन्हें के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है। क्या होता है कि जब कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा होता है, इस स्टॉक को देखेंगे, ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, अभी तो देखेंगे तो 16 रुपये से 18 रुपये के बीच में इस स्टॉक का प्राइस घूम रहा है, तो ये लाइन पकड़ते हैं 14 रुपये से 16 रुपये। जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है और जब इससे बाहर निकलता है तो सामान्यतः ब्रेकआउट ही होता है, और ब्रेकआउट होता है तो जितना लंबा समय इस कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में बिताया होता है उतना ही तेजी उस स्टॉक में देखने को मिलती है। तो ये जब बाहर निकलेगा इससे, तो ये जो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा 22 रुपये, यहाँ तक तो इजिली आएगा, और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर प्राइस ऊपर उठेगा, यूजली आपको 25 से 30 रुपये तक, शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में स्टॉक आपको 25 से 30 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। तो जिसके पास इसमें अभी इन्वेस्टमेंट है उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उनको टाइटली होल्ड करके चलना है, और जिसका इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने लगेगा यहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और इजीली आपको कम से कम 22 रुपये और फिर इसके ऊपर निकला तो 25 से 30 रुपये तक जाते हुए शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो बातें थी मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है, फिर भी आपको मन में कोई कन्फ्यूजन है सवाल तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर भी इसको दुरुस्त करने की प्रयास करूँगा। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, बेसिकली हाफ ईयरली रिजल्ट है, जो कि 6-6 मंथ पर आते हैं। तो 6-6 मंथ में जब आप देखेंगे कंपनी के जो सेल्स है, सेल्स आपको बढ़ते हुए यहाँ पे दिखेगा। पिछले 6 मंथ में जहाँ पे 15 लाख के आसपास था, वो बढ़कर सेल्स कंपनी का 28 करोड़ के आसपास हो गया है। और सॉरी, ये फिगर्स करोड़ में है तो इसको हम लोग करोड़ में कंसिडर करेंगे, 15 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ हो गया है। हालांकि उसके पहले ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल देखें तो इस हिसाब से देखें तो अभी भी जो कंपनी का सेल्स है ये अब बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई है, यह भी आपको जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखा है। पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो इस बार जो हुआ है सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में, वो जबरदस्त तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखा, और अभी मार्च का नंबर आने वाला है तो उसमें हम लोग देखेंगे और भी ज़्यादा आपको ये बढ़ते हुए दिखेगा। देखेंगे जब बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आपको डेप्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियाँ होती हैं उनको इन्वेस्टमेंट हैवी लगता है, तो डेप्ट थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन और वहीं पर यदि हम लोग रिजर्व पैसे की बात करें, जो कंपनी के पास कैश पैसा होता है वो देखिए, तो वो भी
थोड़ा सा वो कम होते हुए दिखा है सितंबर क्वार्टर में, पहले से भी ज़्यादा ही कुछ कम हो गया है, लेकिन जैसे मैंने बताया चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हर क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, और जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी इस पैसे का यूज़ करेगी अपने डेब्ट को कम करने में, डेब्ट कम होगा तो कंपनी के पास वो पैसा रिजर्व के रूप में बढ़ेगा, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं। कंपनी में इन्वेस्टर्स भी अच्छे खासे मात्रा में तकरीबन 72.91% की हिस्सेदारी सिर्फ इसमें प्रमोटर्स के पास है, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप बेशक इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं है तो जो लेवल मैंने बताए हैं उस लेवल पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी कीजिएगा अपने रिस्क के कैपेबिलिटी के हिसाब से कीजिएगा, किसी के कहने पर मत कीजिएगा। और इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट में सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।